हेलो दोस्तों, मैं हूं दिवाकर एन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बताने जा रहा हूं इंडियन आर्मी के रैली में जाने से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। सो अभी 2021 में नया नोटिफिकेशन आया है, तो जिसमें आपको कुछ नया डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, नहीं तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे और रैली अटेंड नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वैक्सीन कार्ड, जो कि कोरोना का जो वैक्सीन लिया हुआ है उसका कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसका साइन एंड सील के साथ, और साथ में उसका लाइसेंस नंबर वो भी साथ में होना चाहिए। ये होगा तो सबसे पहले आपको एंट्री के लिए मिलेगा। एंड उसके पास होगा आपका कोई भी आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड साथ में लेके जा सकते हैं, और साथ में आपका जो पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका एडमिट, उसका एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। साथ में टेंथ का जो एडमिट कार्ड है वो भी साथ में लेके जाना है। इन चारों चीजों को आपने साथ में लेके जाएंगे तो सबसे पहले उसका एंट्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप डॉक्यूमेंट चेकिंग होता है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हो गया उसमें टेंथ का सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड उसका एडमिट। अगर आप 12th का भी साथ में है, 12th का भी एडमिट मार्कशीट और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। एंड उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST, SC या फिर OBC है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें भी कोई भी है तो आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना के आपको साथ में लेके जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी है तो उसका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसके बाद हो गया PRC, जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, उसको साथ में आपको लेके जाना है। एंड आईडी प्रूफ में आपका सेम हो गया, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड साथ में लेके जाना है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हो गया आपका, अगर आप कोई भी रिलेशन की भर्ती देखने जा रहे हैं तो उसके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। एंड उसके बाद हो गया आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट, अगर आप मेरिड है तो मेरिड सर्टिफिकेट, अगर आप अनमेरिड है तो अनमेरिड सर्टिफिकेट, वो भी आपके गांव का सरपंच होगा, सरपंच आपको बना के देगा, उसमें उसका सील एंड साइन होगा उसका। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको सरपंच देगा, उसमें उसका सील एंड साइन होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो कि आपका जो टेंथ में जो एडमिट कार्ड में जो नाम जैसा है इस बर्थ सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए, और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें भी सेम होना चाहिए। अगर गलती से एक भी वर्ड अगर मिसिंग है तो आप रैली से बाहर हो सकते हैं, अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कोई भी स्टेट या फिर नेशनल इंटरनेशनल कोई भी खेला हुआ अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है, वो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वैलिड होता है 2 साल, 2 साल के अंदर कोई भी खेला हुआ है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपके पास NCC, B या फिर C कोई भी सर्टिफिकेट है उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको फोटोग्राफ्स लेके जाना है, कम से कम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, 12 फोटोग्राफ्स आपको साथ में लेके जाना है। और फ्रेंड, जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने उसका कम से कम 2-2 फोटोकॉपीज लेके जाना साथ में। सो फ्रेंड्स, इतना जो डॉक्यूमेंट बताया उसको आपको साथ में लेके जाना है आर्मी की रैली के लिए, और इसमें भी अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट रह गया तो आप रैली अटेंड नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, और एक बात ध्यान दीजिए, जितने भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, उसको संभाल के रखना है रैली में, क्योंकि रैली में बहुत सारे बंदे होते हैं, बैग्स इधर उधर हो जाता है, अगर एक बार आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम हो गया तो वो कभी मिलने नहीं वाला है। सो प्लीज़ आपका बैग को ध्यान रखें, आपका जो डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, और कभी भी बैग को किसी के पास देना है तो आपने जो खास बंदा है उसको ही दीजिए, अदरवाइज आप किसी को अपना बैग देना ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपको सर्टिफिकेट्स गुम हो गए तो कभी मिलने नहीं वाले, और ज़िंदगी में आप कभी रैली अटेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस रैली का प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।